कांग्रेस द्वारा वार्ता कर कलेक्ट्रेट घिराव करने की जानकारी दी गई। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह यादव जी के आगामी 22 जुलाई को कलेक्ट्रेट घिराव को लेकर जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया कि युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल व कई वरिष्ठ नेता इस घिराव कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही कहा कि प्रदेश व देश में जब से भाजपा की सरकार आई है, लगातार युवाओं के साथ छल हो रहा है। भाजपा सरकार में जो भी परीक्षाएं कराई जा रही हैं, उनमें धांधली के सिवाय कुछ नहीं हुआ। देश के अंदर जिस तरह के नीट परीक्षा में धांधली कर देश के युवाओं के भविष्य के साथ भाजपा सरकार ने खिलवाड़ किया है, वह काफ़ी चिंतनीय है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार व्यापम घोटाले के बाद एक और बड़ा घोटाला फर्जी नर्सिंग कॉलेज घोटाला, जो व्यापम से भी बड़ा घोटाला है, जिसकी जांच कर रही सीबीआई भी कटघरे में खड़ी है। आज प्रदेश के लाखों छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। सीबीआई जैसी संस्था जिसमें देश के हर व्यक्ति को विश्वास है, ऐसी संस्था भी अब इस सरकार में अपनी विश्वसनीयता खोती जा रही है। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर युवा कांग्रेस द्वारा कलेक्ट्रेट का घिराव किया जाएगा। आप भी देखिए पत्रकार वार्ता कर क्या जानकारी दी गई है। ऊपर ये अत्याचार आप करते रहेंगे कि आज अगर प्रदेश का युवा 80 लाख फॉर्म भर रहा है 5 साल में, आपने मात्र 20,000 भर्ती दी 80 लाख लोगों को, बल्कि आपने 55,000 भर्तियां निकाली थी 5 साल में। उन 55 में से 35 अभी भी खाली हैं और अभी बजट सत्र में आपने 18,000 और निकाली। तो आप किस 18,000 को किस पायदान में और कैटेगरी में बांट रहे हैं? आपने 2020 में 7 लाख कांस्टेबल के फॉर्म भरवाए, कहाँ है उनकी भर्ती? 2023 में आपने फिर 6 लाख कांस्टेबल के फॉर्म भरवाए, कहाँ है उनकी डेट जहाँ पर उनका फिटनेस का एग्जामिनेशन होना है? तो मेरा सवाल ये है कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। भाजपा रक्षक की जगह भक्षक बन चुकी है और भाजपा युवाओं का शोषण इस प्रदेश में प्रतिदिन करती जा रही है। और आप ये समझिए कि शोषण करने का तरीका नशा दे देना। नशा कौन करता है? जो बेरोज़गार है, जिस पे काम नहीं है। और इस तरीके की बेरोज़गारी का आलम बढ़ाया है कि आपने 2020 में नर्सिंग कॉलेज का एग्ज़ाम कराया और 4 साल में फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो रही है लड़के की। तो आप कहाँ लेके जा रहे हो इन युवाओं के भविष्य को? तो यूथ कांग्रेस हल्ला बोल एक क्रांति के रूप में 22 तारीख को ये पूरे प्रदेश के अंदर बताना चाहती है कि आगामी 30 अगस्त को हम मुख्यमंत्री जी का घेराव करने जा रहे हैं नर्सिंग घोटाले के न्याय के लिए। और साथ में जो हमने किया हुआ तेरा वादा अभियान किया है, उसके अंदर कहा गया था संकल्प पत्र में, किसने? भाजपा ने, कि 2.5 लाख नौकरियां देंगे युवाओं को, भर्ती कैलेंडर बनाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भाजपा का संकल्प पत्र था जिस पे युवाओं का इन्होंने वोट लिया था। 1.5 करोड़ हम लोग घर बनाएंगे महिलाओं के लिए और साथ में किसानों को MSP रेट पे दाम देंगे। तो मेरा सवाल ये है कि भाजपा सिर्फ जुमले कर रही है, भाजपा सिर्फ घोटाले कर रही है और इस जुमले और घोटाले की राजनीति में युवा पिस रहा है, किसान पिस रहा है, महिला पिस रहा है। और आज उन सब की आवाज़ उठाने का दायित्व यूथ कांग्रेस ये इस आगाज़ को एक नई शुरुआत के रूप में करने जा रही है। धन्यवाद। और हाँ, आज मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ कि 22 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास जी भी इसमें आ रहे हैं यूथ कांग्रेस के, हमारे आदरणीय राहुल भैया जी भी इसमें पधार रहे हैं और हमारे जीतू पटवारी जी और उमंग सिंघार जी का भी आने का हुआ है, जितना मैं जानता हूँ प्रयास है उनका आने का, कोशिश होगी कि वो ज़रूर पधारें। तो ये सभी इस आंदोलन में शरीक होने आ रहे हैं और हम सभी हमारे अंचल के जो नेता हैं सभी को फ़ोन करके निवेदन करेंगे कि आप हमारे इस आंदोलन में एक आवाज़ बनिए। तो हम सभी को मान सम्मान पूर्वक सभी लोगों को रीवा, सीधी, मऊगंज, सभी जो मुख्य मुख्य लोग हैं सभी को हम निमंत्रण देंगे। आज आप सभी लोगों का धन्यवाद। थोड़ा समय, क्योंकि 24 घंटे का सत्याग्रह पे हम लोग सीधी में बैठे हुए थे तो वहाँ पर थोड़ा SDM जी लेट हो गए थे, उसके कारण थोड़ा लेट हो गया मैं आने में।
आज की जो पत्रकार वार्ता है वो आप लोगों को ये अवगत कराने के लिए है कि 22 तारीख को हम लोग कलेक्ट्रेट का घिराव करने जा रहे हैं और विंध्य की धरती से एक युवा क्रांति का आगाज़ नर्सिंग घोटाले को लेके और नीट को लेके और युवा का जो शोषण हो रहा है उसकी आवाज़ यूथ कांग्रेस हर ज़िले में उठा तो रही है, पर कुछ ज़िलों में हम उग्र प्रदर्शन भी कर रहे हैं जिसमें रीवा और मऊगंज दोनों को मिला के सम्मिलित करके हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आज दोनों ज़िलों के सम्मेलन से पूरी यूथ कांग्रेस की टीम से 22 तारीख को इस धरती में एक नया युवा का आगाज़ आपको देखने को मिलेगा जिसमें हमारे राजेंद्र शर्मा जी जो हैं उनका मार्गदर्शन, जो DCC प्रेसिडेंट है रीवा के, हमारे सुखेन बना सिंह जी का संरक्षण रहेगा यूथ कांग्रेस को, क्योंकि आज यूथ कांग्रेस को ये मैसेज देने की आवश्यकता है कि नर्सिंग घोटाले की आवाज़ सबसे पहले यूथ कांग्रेस ने उठाई और वो आवाज़ थी कि आपने कैसे 256 कॉलेजों को मान्यता दी गई जो कि एक कमरे में थी, जो कि एक हॉल में खुले हुए थे और वहाँ ना तो लैब थी, ना तो लाइब्रेरी थी, ना तो 100 बेड के अस्पताल थे। तो ये जो उमंग सिंघार जी के इस्तीफा की मांग हमने की है और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि हमारे CLP लीडर को मैं धन्यवाद कहना चाह रहा था कि नर्सिंग घोटाले को लेके जो उन्होंने आगाज़ किया विधानसभा सत्र में, उमंग सिंघार जी वो व्यक्ति थे CLP लीडर जिन्होंने इस मुद्दे पे विश्वास सारंग जी की इस्तीफा की मांग की, तो उनके मार्गदर्शन में हमने उमंग सिंघार जी ने कहा कि जिस तरीके से इस नर्सिंग घोटाले में युवाओं का शोषण हुआ है और विश्वास सारंग जी के समय वो 256 कॉलेजों को मान्यता दी गई है, उन मान्यता को रद्द किया जाए, जिसमें से अभी तक भाजपा ने मात्र 66 कॉलेजेस को रद्द किया है और बाकी के 120 को संज्ञान में रखा है। हमारी कोशिश है कि जो रीवा में नशा बढ़ता जा रहा है युवाओं के बीच में, और नशा क्यों बढ़ रहा है, सीधी रीवा आपका सिंगरौली, यहाँ के युवा में नशे का एक नया चलन जो मैंने महसूस किया, जो यहाँ से समझ में आया कि वो चलन इस तादाद पे बढ़ गया है क्योंकि युवा बेरोज़गार हो गया है, युवा की शिक्षा आपने ख़त्म कर दी, आज वो शिक्षा घोटाला हो, स्वास्थ्य घोटाला हो, हर जगह पीड़ित युवा है। तो आप क्या पंजाब बनाना चाहते हैं रीवा और इस विंध्य अंचल को? तो मेरा सवाल ये है भाजपा सरकार से कि कब तक युवाओं का शोषण होता रहे। मीडिया कर्मी ने सीधी में ये बात मुझसे पूछी कि 4-5 हज़ार जो आपने कम की बात की, आपको याद होगा जब अग्निवीर के लिए युवा निकला था तो कैसे प्रशासन ने डंडे मारे थे, कैसे हॉस्टलों से लड़कों को निकाला था। तो ये जो डर है ना, इतना भर दिया है युवाओं के अंदर कि जब हम जैसे लोग क्रांति करने निकलते हैं ना तो उनके माँ बाप कहते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये आपको कहीं ना कहीं आवाज़ उठानी है, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि ये जो डर का माहौल भाजपा ने बनाया, कि आपने देखा होगा वो दृश्य कि कैसे बोर्डिंग हाउसेस से और हॉस्टलों से उन विद्यार्थियों को और शिक्षित लोगों को निकाला था, तो भाजपा ने जो ये डर का काम कर दिया है और उसमें अगर ये 5 से 6 हज़ार युवा आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक नया आगाज़ है। जी कुछ जी उग्रां बिल्कुल कहाँ से बताइए, आप बताइए, अरे आप बताइए प्लीज बताइए। राजीव गांधी प्रतिमा के पास सिरमौर चौराहे से, पहले तो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व के नेता उपस्थित होंगे वो हम सबको मार्गदर्शन देंगे, अपनी बात रखेंगे, उसके बाद हम लोग कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ेंगे और कलेक्ट्रेट का सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ हमारे अध्यक्ष माननीय प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय VV श्रीनिवास जी, प्रदेश अध्यक्ष हमारे मितेन भैया और हमारे यूथ कांग्रेस के सभी जावा साथी गणों के साथ हम लोग कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए आगे बढ़ेंगे। संख्या बल ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, अनुमानित ये है कि 5 से 6 हज़ार युवा जो है उस दिन इकट्ठा हो रहे हैं और अपनी अधिकारों की लड़ाई की लड़ने के लिए कलेक्ट्रेट में कूच करेंगे। सभी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में ये युवा कांग्रेस के लोग जिस तरह से भाजपा सरकार लगातार युवाओं के पास छल कर रही है, घोपड़ाए कर रही है, हर परीक्षा में घोटाले कर रही है, इन सब कुड़ी मांगों को लेकर युवा कांग्रेस उस दिन अपनी आवाज़ को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में नेतृत्व में सभी युवा कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और
कलेक्ट्रेट घेराव का पूरी ताकत से करेंगे। इसका जवाब मैं दे देता हूँ। अभी जब से हम लोगों ने इस कार्यक्रम की तैयारी करना शुरू किया है तो हमारे पास पूरे ज़िले भर से, बल्कि पूरे ज़िला नहीं, विंध्य से युवाओं के फ़ोन आ रहे हैं जो इन घोटालों से पीड़ित हुए हैं और कहीं ना कहीं उनके अभिभावक, छात्र सबका समर्थन है। उसके वजह, उसके पीछे की वजह है, अभी आपने हाल में ही देखा होगा, रीवा की एक छात्रा राजस्थान में सुसाइड करी है, वो हम सबके बीच की है, काफ़ी मीडिया में भी ये खबरें चली हैं। तो ऐसे पीड़ित परिवार, ऐसे लोग, कहीं ना कहीं विंध्य की धरती से एक युवा आगाज होने जा रहा है जिसकी कहानी 22 तारीख को झलक देखने को मिलेगी और मध्य प्रदेश की भ्रष्ट भाजपा सरकार और प्रशासन से यूथ कांग्रेस आर पार की जंग लड़ने जा रही। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर हमारा नहीं है, तभी तो हम आ रहे हैं 5-6 से। हो सकता है कि 15,000 नहीं 20,000 युवा हो जाए। आप चिंता मत करिए, भोपाल में आपको 15 से 20 देंगे। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिजाइन लॉन्च होती है वो सारी डिजाइने हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97-52-54-64 या फिर 83-19-31-79-64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076-62-40-70-64।